दैट बहुत अच्छा गाना गाया, हमारी मॉर्निंग रिफ्रेश हो गई है इस गाने के साथ, और आपके डांस मूव्स आई एम फैन ऑफ देम। और अच्छा मुझे बताएं कि अगला गाना कौन सा आ रहा है, और इस ये जो गाना गाया ये किसकी कॉम्पोजिशन थी? ये हमारे बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं साजिद अली साजी, उनकी कॉम्पोजिशन थी और म्यूजिक अरेंज उनका भी था, और साथ में कामरान अख्तर साहब जो हैं काफ़ी सीनियर बंदे हैं, वो स्पेनिश गिटार भी बजाते हैं, तो उनकी ही ये सारी काविश थी। अच्छा हुमैरा, मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि आप कुछ बताती हैं कि दादी ये अच्छा नहीं था, या इस तरह करो, या ये होना चाहिए था, या इधर टोन ऊपर चाहिए थी, इधर टोन नीचे चाहिए थी, इधर ट्यूनर लगाओ, ऐसी कोई बातचीत आपस में होती है? हाँ हमारी होती है, हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को, अपने जो भी हमारा काम है उसको करते हैं। ये भी मुझे गाइड करता है, मैं भी इसे गाइड करती हूँ, तो हम लोग मतलब एक दूसरे से पूछते रहते हैं, पूछ के करते हैं। आप तो सीनियर है माशाल्लाह। हाँ, काम से करते रहते हैं। सही है। असल में हमारी फील्ड एक होगी ना, तो हम फील्ड को फॉलो करके गाते हैं, मतलब अपनी मर्जी नहीं चलाते। कि हम लोग ये नहीं करते कि अब मतलब ऑडियंस फास्ट गाना सुनना चाह रही हूँ और मैं या हूँ मेरा हम स्लो गाने की तरफ है। हम आर्टिस्ट ही वो होता है जो ऑडियंस का साथ लेके चले, तो इसलिए फिर हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं, कुछ आगे पीछे चीजें करते रहते हैं। अभी कोई प्रोजेक्ट आने वाला है इंशाल्लाह? अच्छा जी, वेरी सून। फिल्म्स की तरफ कब जाना चाहेंगे आप? सिंगिंग के लिए, सिंगिंग में, फिल्म्स में, पाकिस्तानी मूवीज में आपको पता है ज्यादा तो फीमेल ओरिएंटेड गाने होते हैं, बस मेल के वो पुरानी फिल्में थी जिनमें वो काफी। अच्छा, ओएसटी का बहुत रुझान हो गया है पाकिस्तान में, ओएसटीज बहुत से सिंगर्स गा रहे हैं और बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जी मैंने किए हैं काफी सारे ओएसटी, किए हैं अभी भी, रिसेंटली भी मैंने किया है, एक चैनल है उनका आ रहा है उसके लिए किया है, बहुत सारे नए चैनल्स आए हैं जिनके लिए मैंने काफ़ी सारे ड्रामों के ओएसटी किए हैं, अभी भी आ रहा है इंशाल्लाह, और वो लोगों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको देखेंगे, आप दोनों का डुएट भी देखेंगे, आगे फिल्म्स में भी देखेंगे, आपसे गाना भी सुनते हैं। अच्छा यहाँ बैठे मेरे चुप चुप होते हुए पेरेंट्स जो कि परेशान थोड़े थोड़े लग रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर से हमने उनको बिठाया है। बिल्कुल परेशान, क्योंकि बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हुमैरा का गाना, कवाली और इनका गाना, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। तो आपकी सुबह हमने हसीन बना दी है, हसीन सुबह, रंगीन सुबह। अच्छा तो अम्मा, ऐसी कोई बात जो आप कहना चाह रही हो आगे की यूथ के लिए, आगे की लड़कियों के लिए जो आना चाह रही है इस फील्ड में, जिस तरह के मैं इधर काम कर रही हूँ, तो आपको क्या लगता है कि स्कोप है मीडिया की तरफ? हाँ, अब तो बिल्कुल स्कोप है, पहले नहीं था इतना ज्यादा, लेकिन अब तो इस इंडस्ट्री में बहुत लड़कियाँ आ रही हैं और बड़ी पढ़ी लिखी बच्चियाँ अच्छी फैमिली से आ रही हैं, तो अब डेफिनेटली स्कोप है और लोगों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए ये चीज़। अब वो ज़ाहिर है दुनिया के साथ चलना है आपने, और अगर हम यही सोचते रहेंगे कि नहीं ये हमारी बच्चियाँ यहाँ नज़र क्यों आएँ, ये वहाँ नज़र क्यों आएँ, बाकी ये बच्चियों पर है आपने किस तरह उनकी ट्रेनिंग की है, किस तरह उनको पता है कि अपने आप को रख के किस तरह। मामा की ट्रेनिंग तो बड़ी हिटलर वाली थी, तौबा तौबा, मुझे याद है डंडा ट्रेनिंग। नहीं वो देखे ना, वो बेसिक ट्रेनिंग तो फिर पेरेंट्स देते हैं ना। बिल्कुल है। आगे तो फिर आप जब शादी हो जाती है, शादी से बाद ग्रेजुएशन के बाद बच्चियां फिर उनको पता होता है कि हमारे लिए क्या गलत है क्या ठीक है, क्योंकि वो आपकी ट्रेनिंग से फिर आगे जाती है। अगर आप बेसिक ही ट्रेनिंग नहीं बच्चियों को देंगे या बच्चों को देंगे, अब लड़के भी इस फील्ड में, लड़कों को भी यही गाइड करना पड़ता है, गाइडेंस तो पेरेंट्स की फिर थ्रू आउट चलती है। अच्छा यहाँ मेरी एक भाभी और मेरी जो कजन है, एक एक वर्ड मेरे बारे में बता दो। माहम एंड रेशम, वन वर्ड फ्रॉम माहम अबाउट मी, वन वर्ड फ्रॉम रेशम अबाउट मी। वाइवेशियस, एक्सट्रीमली वाइवेशियस, वेरी कलरफुल, वेरी कलरफुल। रेशम, एनीथिंग अबाउट मी? ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच, ब्यूटिफुल। लेकिन हुमैरा जी से ज़्यादा ब्यूटिफुल नहीं हूँ, वेल मेंटेन, हमेशा से ही हुमैरा जी, मैंने आपको ऐसे ही देखा, हमेशा से ही ऐसे ही देखा है। बल्कि आपको पता है एक बार कॉन्सर्ट था, तो तब तो मैं खैर बीच में मैंने ब्रेक ली हुई थी, आई वॉज नॉट होस्टिंग, बट मैं कॉन्सर्ट सुनने आई तो पंजाबी कच दी जो गाना था, चूड़ी कच दी, तो वो माशाल्लाह बहुत आपका प्यारा गाना है, मुझे बड़ा पसंद है, और अगर आप हमें सुनाना चाहें तो ज़रूर सुनाएं, बिकॉज आई वी वॉन्ट टू लिसन दैट सॉन्ग, बिकॉज मुझे वो बहुत खूबसूरत गाना लगता है आपका। बिल्कुल आप हमें सुनाएं और बताएं, और बल्कि आप भी एक सबसे पहले एक एडवाइस दें, क्योंकि आप सिंगर हैं, और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि फीमेल ओरिएंटेड जो लोग हैं, क्योंकि
हमारे मुल्क में फीमेल को एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक फीमेल एजुकेट नहीं होंगी हमारा आधा माशरा एजुकेट नहीं होगा। कहते ना कि विमेन इज़ द मेन बैकबोन ऑफ अ कंट्री, सो इट्स नॉट अबाउट कंट्री, इट्स अबाउट एवरीथिंग। तो आप क्या कहती हैं कि इस फील्ड में जो ख़वातीन आएँ उनको क्या क्या कैसे आना चाहिए और आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि हमारा जो माशरा है वो बहुत ज़्यादा इनकरेज करने वाला नहीं, डिस्करेज करने वाले, दिल तोड़ने वाले, टांगे खींचने वाले लोग ज़्यादा हैं, इनकरेज करने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम हैं। तो आप जिस भी फील्ड का नाम ले लें, नॉट के ये फील्ड है, आप जिस भी फील्ड का नाम ले लें लोगों को उसमें कीड़े ही नज़र आते हैं। तो देखें कीड़ा इंसान के अपने दिमाग में होता है और हर फील्ड जो है वो अच्छी फील्ड है, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी फील्ड है। यहाँ पे लोगों ने हमारी जो ख़वातीन हैं जिन्होंने बहुत माशाल्लाह नाम कमाया है और पूरी दुनिया में अपने आप को मनवाया है, और मैं बिल्कुल ज़रूर कहूँगी कि जो भी हमारी बच्चियाँ हैं फीमेल हैं वो ज़रूर इस फील्ड में आएँ, चाहे वो सिंगर हैं या वो एंकर बनना चाहती हैं या मॉडल बनना चाहती हैं, तो ज़रूर आएँ इस फील्ड में। और लेकिन प्रॉपर वे से आएँ, ऐसे ही जो लोग शॉर्टकट्स ना मारें तो ज़रूर अल्लाह ताला उन्हें नाम देंगे और ज़रूर आना चाहिए। मैं तो कहूँगी ज़रूर आना चाहिए। ऐसी बात है ना, जो भी कोई भी हॉट सीट पर बैठा होता है तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। लोग समझते हैं कि पता नहीं ये वन नाइट, हाँ, रात रात इनकी तरक्की हुई और यहाँ बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं होता इसके पीछे। हाँ, वो लाइमलाइट में आने में टाइम लगता है लेकिन उनके पीछे उनका बहुत हिस्सा हार्डवर्किंग होता है। और बहुत जैसे अब आपने पूछा कि हमेशा आपको मैंने ऐसे ही देखा है, तो बहुत से लोग मुझसे यही सवाल करते हैं कि भी हमने आपको ऐसे ही देखा है बहुत अरसा, फिटनेस फ्रीक है आप, ऐसे ही आपको देखा है, तो वो ये नहीं जानते कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। थैंक यू सो मच हुमैरा जी, आप लोग आए, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ जो मेरे पेरेंट्स बैठे हुए हैं उनका भी बहुत शुक्रिया जो आए, जिन्होंने मेरी सुबह बहुत ही रिफ्रेश कर दी। और बोले कम है लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही बहुत थी। कहते ना उनकी प्रेजेंस से मतलब ऐसे ही डर जाता है कि माँ बाप बैठे हुए आपको ऐसी चीज ना कर दें कि वो बाद में जाके कहें ये तुमने क्या किया था। आप जानती हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्रेम है, अच्छा अच्छा लग रहा है। हाँ, वैसे तो आपको पता है इवेंट्स के अंदर हम इतने बिजी होते हैं, हमें पिक्चर खिंचवाने का मौका मिलता ही नहीं, तो मैंने कहा चलो आज यहाँ ही से हम एक फ्रेम में एक अपने आप को फ्रेम करवा लें, क्योंकि फिर ये पिक्चर्स यादगार होती हैं। और पेरेंट्स का होना एक कहते हैं बाबरकत, बाबरकत होता है, खुशाइंद होता है, जिनके पेरेंट्स सलामत हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, और जिनके इस दुनिया से जा चुके हुए हैं तो उनकी उनके पास उनकी यादें हैं चेरिश करने को। और हुमैरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आई हैं, मगर हमारी शो की एंडिंग आपके गाने के साथ होगी। आप अपना खूबसूरत सा गाना हमें सुनाया ताकि हम अपना शो को एंड करें और मेरे सेट से, और आप लोगों को एक बार फिर गुड मॉर्निंग धनक। सारे मेरे नाल नचदे, मैं नचदी कल्ला सारा नच।
सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे मैं नचदी कल्ला ओ सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे मैं नचदी कल्ला ओ सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे मैं नचदी कल्ला ओ सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे मैं नचदी कल्ला ओ सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे।